हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। आज बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो बन रही है और मैंने नई गाड़ी ली है, महिंद्रा XUV 3XO। तो आज बात करेंगे इसके बारे में कि पहली चीज़ कि मेरा पर्पस क्या था, दूसरी चीज़ मेरा बजट क्या था, तीसरी चीज़ क्या क्या ऑप्शंस थे, और चौथी चीज़ कि वो सब ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट हुए और मैंने फोकस 3XO पर क्यों रखा। तो पहली चीज जो पर्पज़ है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस इतना ही यूज़ है उस गाड़ी का कि मेरी वाइफ जाती हैं अपने ऑफिस, उनको घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, क्योंकि बाहर जाने या फिर मुझे अपने ऑफिस जाने के लिए हैरियर ऑलरेडी है मेरे पास, तो बाहर ही लेकर जाने के पड़ती है तो फिर मैं हैरियर लेकर जाता हूँ, या फिर खुद को कहीं जाना होता है तो हैरियर ही लेकर जाता हूँ। मैडम के लिए XUV 3XO थोड़ा सुटेबल रहेगी, मतलब छोटी गाड़ी का था कि छोटी गाड़ी लेंगे, अब कोई सी भी हो। पहले एक्चुअली मैडम को सोनेट पसंद थी, अब सोनेट हमने सोचा था कि सोनेट ठीक है, बिक रही है काफ़ी, फीचर्स भी अच्छे हैं, फिर रेंज में भी आ रही थी, बजट में भी आ रही थी, तो हमने सोचा कि सोनेट पर फोकस रखते हैं। तब तक 3XO लॉन्च नहीं हुई थी, फिर हमने एक्चुअली सोनेट की टेस्ट ड्राइव ली, फिर हमने अदर ऑप्शंस देखे, लाइक फ्रॉन्क्स देखी, फिर फ्रॉन्क्स की टेस्ट ड्राइव ली तो कुछ खास मजा आया नहीं, मतलब ऐसा फील ही नहीं आया कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो फिर कुछ एक लग्जरी जैसा कुछ फील तो आए, वो नहीं आया। सोनेट से बेटर नहीं लग रही थी एक्चुअली, तो इसलिए सोनेट ही तब तक थी हमारी फाइनल। फिर हमने सोचा कि एक बार सेडान ट्राई करके देखते हैं कि सेडान अगर ठीक रहती है तो सेडान ट्राई करके देखेंगे, तो हमने फॉक्सवैगन वर्टस ट्राई की, फॉक्सवैगन वर्टस की टेस्ट ड्राइव ली तो वो हमें बहुत अच्छी लगी, नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी थी। कुछ चीज़ों का था उसमें, जैसे उसके सस्पेंशन जो है वो हार्ड साइड है, आप सिटी बम्प्स पे अगर इसको लेकर जाते हो थोड़ी सी भी स्पीड रहेगी तो वो आपको अंदर तक फिल्टर होके आता है उसके बम्प्स, तो वो थोड़ा सा एक डाउन पॉइंट लगा। इसलिए फिर हमने स्कोडा स्लाविया ट्राई की, स्लाविया में वो जो कमी जो थी उसकी वो पूरी हो रही थी, स्लाविया का सस्पेंशन ज़्यादा बेटर था, ज़्यादा सिटी फ्रेंडली था बजाय वर्टस के, तो हम स्लाविया पर एक बार आ गए थे कि ठीक है स्लाविया करेंगे। फिर हमने अदर ऑप्शन सोचे थे कि क्या क्या हैं, क्या क्या हैं, एक साइड कहीं था कि हाँ 3XO लॉन्च होने वाली है, 3XO लॉन्च होने वाली है, 3XO लॉन्च होने वाली है, देखेंगे कैसा आता है प्रोडक्ट। फिर हमने थोड़ा वेट किया कि इसको एक बार लॉन्च होने देते हैं फिर इसको देखेंगे, फिर इतने में उसकी जो टीज़र फोटोज आए थे वो आ गए थे, हमें वो अच्छी लगी कि यार ये तो बढ़िया लग रही है। फिर हमने वेट किया कि अभी स्लाविया बुक नहीं कराएंगे, वेट करते हैं गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद दोनों को प्रॉपरली कंपेयर करके फिर देखेंगे। फिर हमने 3XO का वेट किया और जब जैसे दिन शोरूम में आई, और एक्चुअली वही कलर में आई जिस कलर में हम चाहते थे, हमने पहली बार 3XO देखी ब्लू कलर में और हमको ब्लू कलर ही चाहिए था 3XO का देखना, और वो वही सामने खड़ी थी और वो देखते ही ऐसे पसंद आ गई कि हाँ यही वो गाड़ी है जो हमको लेनी है, और मॉडल भी एक्चुअली वही था। मैंने AX5 मॉडल लिया है और मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था वो भी AX5 ही था। तो हुआ ये कि शोरूम पहुंचे तो पसंद आ गई गाड़ी, पसंद आ गई तो फिर हमने कहा जब केबिन पसंद आ रहा है, गाड़ी महिंद्रा की है, ये इशू भी नहीं रहेगा कि यार कहीं कंपनी भाग गई तो। स्कोडा और फॉक्सवैगन में ये चल रहा है कि फॉक्सवैगन जा रही है, पेरेंट कंपनी यहाँ पर स्कोडा है तो वही रह जाएगी वगैरह वगैरह, तो हमको वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी था कि यार ठीक है इंडियन कंपनी है, कभी पार्ट्स के इश्यूज नहीं आएंगे, कभी बाकी चीज़ों के नहीं आएंगे, तो वो ठीक है। हमने फिर देखा कि 3XO फाइनल करते हैं, फिर हमने बुक करा दी, और हमने बुक उस शोरूम से नहीं करा जिस शोरूम में हमने गाड़ी देखी थी, हमने फिर कोटेशन वगैरह लिए, डिस्काउंट कहीं नहीं मिल रहा था, एक्सेसरीज फ्री मिल रही थी जिस शोरूम से, हमने फिर उस शोरूम से बुक करा दी, फिर हमको गाड़ी मिल गई। कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे इस गाड़ी को लिए हुए एक महीना हो गया, अब मेरा जो इनिशियल इंप्रेशन है उस गाड़ी के साथ वो ये है, गाड़ी भागती बहुत तेज है, इट गोज लाइक अ रॉकेट, मतलब अगर मैं कहीं जल्दी जाना है तो आई वुड प्रेफर 3XO ओवर हैरियर, चाहे वो सिटी चाहे वो हाईवे। साइज छोटा है, पावरफुल इंजन है, मैंने पेट्रोल गाड़ी ली है और पेट्रोल में इसका पिकअप बहुत तेज है, बहुत
फास्ट निकल जाती है गाड़ी, साइज भी छोटा है, हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, तो मजा आ रहा है इसमें। छोटे छोटे टेक्निकल ग्लिचेस हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ऐसा कंपनी ने हमको बताया है कि जैसे अभी एप्पल कार प्ले नहीं चल रहा, तो एप्पल कार प्ले चलने लगेगा जल्दी, उन्होंने ऐसा बोला है कि बस वो थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर है वो एक बार आ जाए फिर वो चलने लगेगा, या फिर कोई छोटा मोटा ऐसा, ये मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही है, हार्डवेयर में अब तक ऐसा कुछ है नहीं। बाकी गाड़ी बहुत बढ़िया लग रही है चलाने, मजा आ रहा है, और ब्लू कलर मुझे अभी तक जितने भी कलर्स देखे हैं उसमें स्टिल इट्स माय फेवरेट। हमको इवन रेड कलर पसंद आ, लेकिन रेड कलर थोड़ा सा ऐसा लगा कि फेड भी हो सकता है थोड़े टाइम बाद, और मेरे पास जो पुरानी i10 है वो ऑलरेडी रेड है, उनको तीसरा नया कलर लेते हैं, तो ब्लू कलर पसंद आई और ब्लू कलर हमने ले ली। सो फार इट्स गुड। और जो पुरानी वाली 300 थी उससे इसमें जो बूट स्पेस का जो इश्यू है वो रिजोल्व कर दिया गया है। एक्चुअली मैंने जब हैरियर ली थी तब मुझे 300 बहुत पसंद आई थी, बट वो 300 नहीं लेने का जो सिंगल रीजन था वो यही था कि उसमें बूट स्पेस था ही नहीं। मैं अगर 7 डेज की कहीं ट्रिप पे फैमिली के साथ जाता हूँ तो उसमें उतनी स्पेस ही नहीं थी कि मैं 7 डेज के ट्रिप के हिसाब से अपना लगेज रख सकूँ। इसमें वो इशू सॉर्ट हो गया, तो फिर इसको नेगलेक्ट करने का कोई रीजन बचा नहीं था। और सोनेट छोड़ने का एक्चुअली जो रीजन था वो ये था कि सोनेट की तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, ये ऑलरेडी 3-5 स्टार रेटेड है, तो वो एक चीज थी। फिर सोनेट के कैबिन में बैठने के बाद अगर आप डायरेक्ट 3XO कैबिन में जाओ तो 3XO का कैबिन थोड़ा सा नया फील होता है, थोड़ा सा ज्यादा एंगेजिंग, थोड़ा सा ज्यादा लाइवली फील होता है, इसलिए फिर हमने 3XO को प्रेफरेंस दी सोनेट के ऊपर। इवन अगर 3XO नहीं आती तो स्लाविया और सोनेट में कंपेरिजन रहता फिर। हालांकि हमने स्लाविया ऑलमोस्ट फाइनल कर दी थी क्योंकि स्लाविया का इंटीरियर जो है वो बहुत रिच, बहुत प्रीमियम लगता है, उसमें ऐसा है कि आप बैठोगे तो आपको एक रिच कार वाली फील आएगी, चलती भी बहुत अच्छे से है, और जिस बंदे ने हमको टेस्ट ड्राइव दिया था उसने उस पर इतने करतब करके दिखा दिए जिसकी कोई हद नहीं, मतलब कि जो बेस्ट टेस्ट ड्राइव आज तक मैंने अपने साथ अपनी लाइफ में कहीं देखी है वो थी। और एक और चीज थी कि स्लाविया में ग्राउंड क्लियरेंस का भी अच्छा बेनिफिट है, मतलब उसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट एक एसयूवी की तरह है, तो बहुत अच्छी लगी थी गाड़ी। और हो सकता है कि अगर नियर फ्यूचर में या कभी गाड़ी चेंज करने का कुछ ऐसा बने या कुछ वो, या फिर मैं अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट करूंगा तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर स्लाविया। स्लाविया बहुत अच्छी लगी, बस एक कंडीशन ये है कि स्कोडा यहाँ पर टिके, इंडियन मार्केट पे फोकस करे, ओनली रिक्वायरमेंट। अब जो उनका वो चलता है कि यार सर्विस कॉस्ट ज्यादा है उनके, मेंटेनेंस वगैरह महंगी है वगैरह वगैरह, अब सर्विस कॉस्ट का देखो मैं ज्यादा कह नहीं सकता बिकॉज मेरे नोन में किसी के पास क्लाविया या फोर्टस नहीं है, अब नहीं है, और तो और ऑनलाइन देखता हूँ तो मिक्स रिव्यूज हैं, कोई कहता है सस्ती है, कोई कहता है महंगी है, शोरूम वालों से पूछते तो वो कहते हैं कि महंगी सर्विस इज अ थिंग ऑफ पास्ट, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हमारे यहाँ सारे पार्ट्स लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वगैरह वगैरह। कंपनी तो वही है ना, उस पर डाउट है, पार्ट्स पर डाउट नहीं है। लेकिन वही ठीक है, जैसा भी होगा मार्केट रिव्यूज अब धीरे धीरे आएंगे, ज्यादा बिकने लगी है अब ये गाड़ियां, वर्टस 2 महीने लगातार मैक्सिमम सेलिंग सेडान रही है, तो वो चीजें अब धीरे धीरे मार्केट में आएंगी कि हाँ उनके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं, सर्विस कॉस्ट कैसी है, इंजन ब्रेक डाउन तो नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें अब आएंगी धीरे धीरे मार्केट में, तो ठीक है। और बाकी महिंद्रा की सर्विस कॉस्ट ऐसा कुछ खास है नहीं, पेट्रोल गाड़ी में तो वैसे भी थोड़ा कम ही होती है, और पार्ट्स का कुछ अवेलेबल कुछ था नहीं। बाकी ये है कि गाड़ी की एवरेज थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से कम है, हमने एक्सपेक्ट किया था कि सिटी में 14-15 कहीं दे देगी, बट ऐसा नहीं आ रहा है, हो सकता है कि सर्विस के बाद इम्प्रूव हो, फिलहाल जो आ रही है वो है 12-12.5 मैक्सिमम, इतना ही आ रही है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। तो अभी तक का जो मेरा वो है वो यही है कि गाड़ी अच्छी है, एंड मैंने एक्चुअली अपने कजन को भी सेम गाड़ी फिर सजेस्ट की, और ही इज अबाउट टू टेक डिलीवरी, एक आध दिन में उसकी गाड़ी भी आ जाएगी, तो उसकी भी है, वो डीजल ले रहा है हमने पेट्रोल, तो हमारे पास दोनों चीजों के रिव्यूज होंगे, एग्जैक्टली पता रहेगा कि कौन सी गाड़ी कितना है और किस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट में कितना फर्क है। मेंटेनेंस कॉस्ट से याद आया कि हैरियर की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं। सो स्टे ट्यून्ड,
और बहुत सारी वीडियोस लाइनअप में हैं, बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं, और आई एम बैक विद फुल फोर्स विद फुल डेडिकेशन। तो अब मज़ा आएगा काम करने में, एंड सी यू अगेन। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए खूब सारा, बहुत सारा प्यार चाहिए मुझे आप लोगों का। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अब रेगुलर वीडियोस आएंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मैक्सिमम लोगों तक इसकी रीच कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।